और बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रेटर नोएडा से अवैध प्लॉटिंग पर गरजा बुलडोजर। डूब क्षेत्र में काटी जा रही थी अवैध कॉलोनियां, 40 बीघा जमीन पर काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी परिचौक सफीपुर के पास का ये मामला। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से हिंडन में जलस्तर बढ़ा और कई डूब क्षेत्र में लोग परेशान होते दिखाई दिए, लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार चिन्हित उन भूमाफिया को भी किया जा रहा है जो डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर लोगों की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। हालांकि कई जगह बुलडोजर वाली कार्रवाई, और एक बार फिर परिचौक सफीपुर के पास बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर बिजली